हजारों ऊर्जास्वित युवाओं को सृजन, रचनात्मक और श्रम का प्रतीक कृषि शिक्षा प्रदान करने वाला 115 वर्ष पुराना कृषि महाविद्यालय पुणे। पुणे शहर के बीचों बीच अपनी सुरसाधना में सिद्ध देसी गाय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ICRTC स्थापित है। भारत समृद्ध जैव विविधता युक्त बड़ी देसी गोवंशीय आबादी वाला देश है। यहाँ गाय की 50 सुपरिभाषित नस्लें हैं। कठोर जलवायु परिस्थितियों में अनुकूलन के कारण जीवित रहना, कम गुणवत्ता वाले आहार एवं चारे पर उत्पादन की योग्यता, रोगों के प्रति प्रतिरोधक दक्षता इत्यादि गुणों के कारण कई पीढ़ियों में इन नस्लों का विकास हुआ है। इन नस्लों में से कुछ नस्लें अपने अधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि गीर, सहीवाल, रेड सिंधी, राठी और थारपारकर। इन नस्लों को इस अनुसंधान केंद्र में बड़े गर्व से रखा है। आज प्रतिकूल वातावरण है, वातावरणिक चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, उनको अच्छी तरह से प्रतिकार करने की क्षमता हमारी देशी गायों में है। देशी गाय नस्लों का संवर्धन, दूध का प्रोसेसिंग जैसे घी बनाना, छाछ बनाना, उसके साथ साथ उसके गोबर मूत्र इनके ऊपर प्रक्रिया करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना, IVF का तंत्रज्ञान यूज़ करके देशी गायों की संख्या बढ़ाना इस केंद्र का एक मुख्य उद्देश्य है। तो किसान गोपालकों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ पे संशोधन किया जाता है। मैं सभी को अपील करता हूँ कि यहाँ आके इस संशोधन का, इस अनुसंधान का, इस ट्रेनिंग का वो यहाँ पे फायदा उठाए। केंद्र के सभी पशुओं के लिए चारा फसलों की अलग अलग प्रजातियों का उत्पादन चारागाह में किया जाता है। इनमें मक्का, लहसुन घास, जवार, हाइब्रिड नेपियर की विविध जातियां इत्यादि शामिल हैं। केंद्र में हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। इस अनुसंधान केंद्र में सौर प्रणाली का उपयोग होता है। ऊर्जा संरक्षण एवं बचत उद्देश्य से एक बायोगैस प्लांट भी है। इससे प्रतिदिन 20 क्यूबिक मीटर गैस, लगभग 10 केजी LPG तैयार होता है। संपूर्ण डेयरी अनुसंधान केंद्र को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है। देसी गाय के दूध से घी, दही, पनीर, पेढ़ा, खवा, बासुंदी इत्यादि दुग्ध पदार्थ तैयार करके उनकी बिक्री फुले अमृत ब्रांड के तहत की जाती है। सभी दुग्ध पदार्थ अनुभवात्मक सीख के माध्यम से विद्यार्थी बनाते हैं। इसी बायोगैस उत्पादन के दौरान तैयार होने वाली स्लरी को खेतों में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा स्लरी को ठोस यानी सॉलिड एवं तरल यानी लिक्विड को मशीन द्वारा अलग किया जाता है। गोबर के पाउडर को गणपति तथा विविध मूर्तियां, दिया, गमला, मोबाइल स्टैंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ठोस सॉलिड को मशीन में डालकर खाद, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्यूअर यानी प्रोम भी बनाने की उपलब्धि यहाँ मौजूद है। अत्यंत प्रभावशाली जैविक खाद बायोमिक्स यहाँ बनाया जाता है। इसके अलावा पशु के खून की जांच करने वाले यंत्र, हीमोग्राम, सोमैटिक सेल काउंटर इत्यादि अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली गाय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके अधिकतम बछड़े पैदा करने वाली IVF भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस परियोजना में किसानों को गीर, सहीवाल, रेड सिंधी, राठी और थारपारकर इन 5 नस्लों के साथ साथ महाराष्ट्र की 6 नस्लें यानी देवनी, डांगी, कोकण कपीला, गवलाऊ, खिलार ऐसे कुल 11 नस्लों से एक ही जगह रूबरू होने का सुख प्रदान करके गो परिक्रमा करने का भी अवसर मिलता है। किसान पशुपालों की चाह पर अच्छी शुद्ध देसी नस्ल की संख्या बढ़ाने के लिए विद्यापीठ और इस केंद्र द्वारा साहिवाल क्लब ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 2015 में की गई। इस क्लब में अभी शुद्ध नस्ल की 5000 से भी ज्यादा साहिवाल गायों का किसान संवर्धन करते हैं। किसानों
पशुपालक, गौशाला और संगठनाओं द्वारा देसी नस्ल गायों की जैव विविधता, संगोपन, संख्या बढ़ाने तथा शाश्वत आत्मनिर्भर बनाने के लिए देसी गाय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पुणे का ये छोटा प्रयास।